इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, जहां पे शेयर में आज थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है। 0.30% का ग्राउट के साथ क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। 4835 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ शेयर आपको नजर आ रहा है, जब ये 5400 प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उस टाइम भी मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ था, इस शेयर में एक चीज़ कॉमन हमें नज़र आता है कि एक थोड़ा सा तेज़ी आता है, एक ऑल टाइम हाई टच करता है, फिर उसके बाद थोड़ा करेक्शन आता है, फिर एक तेजी आता है, ऑल टाइम हाई टच करेगा, उसके ऊपर ब्रेक करेगा, एक ऑल टाइम हाई बनाएगा, फिर थोड़ा करेक्शन आएगा, फिर थोड़ा तेजी आता है और फिर करेक्शन आता है। तो ये चीज़ लगातार हमें देखने में मिलता रहता है। और उसमें भी कह सकते हो मार्केट तो एक काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी, तो ये गिरावट थोड़ा और बढ़ गया था। तो यहाँ पे कह सकते हो कि लगभग अगर टॉप से बॉटम तक अगर हम बात करेंगे तो कुछ यहाँ पे अभी तक 14% के आसपास ही गिरावट में भी नज़र आएगा आपको। 4835 के प्राइस पे कुछ शेयर नज़र आया आज के टाइम में अगर हम बात करें यहाँ पे। फिलहाल हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि क्या क्या लेवल्स बन रहा है, इस पर आप आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ध्यान दे सकते हो उसके बारे में, और बाकी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। एक Q1 को लेकर अपडेट निकल के आ रहा है उसके बारे में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे, केवल 2024 में 66% का रिटर्न नज़र आएगा आपको। पिछले एक साल में अगर हम बात करें तो रिटर्न मतलब कि काफ़ी अच्छा हमें जो भी देखने में मिला है। अभी थोड़ा आप देखेंगे यहाँ पे, पिछले एक साल में 71% का रिटर्न, सॉरी यहाँ पे पिछले एक साल में 152% का रिटर्न, और केवल 2024 में कुछ मैंने आपको दिखा ही दिया 71% का रिटर्न यहाँ पे, और पिछले 6 महीने में कुछ 66% का रिटर्न, और पिछले 1 महीने में 9.99% का गिरावट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आज का परफॉर्मेंस क्या रहा, मार्केट क्लोज होने के बाद भी 4100 क्वांटिटी बाई साइड में मोटर यहाँ पर लगा हुआ है ट्रेडिंग सेशन के लिए। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी क्या है उसको अगर हम बात करेंगे तो क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है, 22,32,884 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसमें 7,51,635 क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी रहा, जो कि 33.66% का मतलब कह सकते हो डिलीवरी में हमें बाइंग दिखने में मिला क्वांटिटी। तो ये कुछ कह सकते हो डिलीवरी पोजीशन हमें यहाँ पर दिखने में मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, सारी चीज़ें चेक करके जो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं जो भी हमें देखने में मिल रहा है यहाँ पे। अब क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें क्या अपडेट क्या निकल के आते हुए हमें दिख रहा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देखेंगे, प्रमोटर का जो होल्डिंग है, जो Q1 का यहाँ पे डाटा है आउट हो चुका है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग तो सेम है, FIS ने अपना होल्डिंग यहाँ पे डाउन किया है 12.42% से डाउन करके 11.68% कर दिया है। DIS की होल्डिंग 9.58 से डाउन करके 8.81% कर दिया है। वहीं पब्लिक की अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे FIS और DIS ने अपना होल्डिंग डाउन किया है, पब्लिक ने वहाँ पे बाइंग किया है 6.36% से इंक्रीज करके 7.86% पब्लिक ने अपना होल्डिंग कर दिया। तो ये एक कह सकते हो कि कौनस निकल के आ रहा है क्या, तो मतलब FIS ने और DIS फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने अपना होल्डिंग जो है पर डाउन किया है, और एकदम से थोड़ा थोड़ा डाउन नहीं किया है, काफ़ी डाउन मतलब हद तक डाउन दिख रहा है हमें 12.42% से 11.68% 9.58% से 8.81% ये कुछ नज़र आ रहा है हमें। अब इसको ऊपर बेस करके आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो अभी क्वार्टर का रिजल्ट का कोई डेट भी अनाउंस हमें देखने नहीं मिल रहा फिलहाल, अगर देखा जाए तो देखते हैं जैसे ही निकल के आता है हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था Q1 का कुछ अपडेट निकल के आ रहा था, मतलब कह सकते हो कुछ डाटा निकल के आ रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कुछ लेवल्स के बारे में कि आखिर हम मतलब लेवल्स यहाँ पर बन के आ रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ध्यान दीजिएगा अगर आपको गिरावट या फिर तेजी देखने को मिलता है तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो लेवल रहेगा, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ इतना का लेवल 4785 का लेवल, इसको अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में तो नेक्स्ट लेवल आप कुछ इतना ध्यान दीजिएगा 4732 का लेवल, आने वाले टाइम में नीचे काफ़ी नीचे एक लेवल है 4500 के आसपास जो ये लेवल है 4511 का लेवल। तो ये कुछ लेवल है डाउन साइड में जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ध्यान दीजिएगा आपको ग्राफ देखने को मिलता है तो। तेज़ी देखने को मिलता है, सबसे पहला रेसिस्टेंस लेवल 4895 के आसपास, और इसको अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा कुछ 5069 के आसपास, और ये कुछ लेवल्स हैं, और उसके बाद 5125। तो ये कुछ लेवल्स जो कि ध्यान दीजिएगा आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात करें, अगर आपको ग्राउंड देखने को मिलता है डाउन साइड में, तेज़ी देखने को मिलता है अप साइड में,
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जान लें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे जो भी निकल के आते हुए हमें दिख रहा है, तो उसके बारे में वॉल्यूम एनालिसिस की आप बात करेंगे तो टुडे का वॉल्यूम भी देखेंगे। स्टडी का 27 लाख के वॉल्यूम में 8 लाख का डिब्यूट आएगा 29.13%। 1 वीक के एवरेज में 64 लाख के वॉल्यूम में 19 लाख का डिब्यूट आएगा 29.01%। 1 मंथ के एवरेज में 35 लाख के वॉल्यूम में 12 लाख का डिब्यूट आएगा 34.92%। और नेक्स्ट और बात करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कम्युनिटी सेंटिमेंट की अगर हम बात करें तो 80% लोग कह रहे हैं बाई, 20% लोग कह रहे हैं सेल। अब इसके ऊपर बेस करके आपका क्या ओपिनियन है प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, बाई सेल या फिर होल्ड आपका क्या ओपिनियन है। अब यहाँ पे आज के लिए कुछ यही मतलब कह सकते हो निकल के आते हुए दिख रहा है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो इस मतलब जो आउट हुआ है क्वार्टर का मतलब सॉरी यहाँ पे जो डाटा है यहाँ पे इन्वेस्टर्स का, इसको देख के दोस्तों यहाँ पे एक तो काफी चीजें हमें देखने मिल रहा है कि FIs और DIs ने लगातार अपना होल्डिंग डाउन किया है। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक में तेजी रहा है, एकदम से नीचे के लेवल से एकदम से काफ़ी ज़बरदस्त तेजी रहा है। आज के टाइम पे काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है मैक्सिमम पे स्टॉक 753% का रिटर्न, तो कहीं ना कहीं मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा ही। पिछले 5 साल में 1330% का रिटर्न, पिछले 1 साल में 152% का रिटर्न, तो ये कुछ कह सकते हो कि लगातार तेजी रहा है शेयर में हमें देखने को मिल रहा है। इस बार थोड़ा बड़ा करेक्शन हुआ है, इतना बड़ा करेक्शन आपको पहले नहीं देखने को मिलेगा जो अब की बार हुआ है। अब देखते हैं कि इस बार कब तक ऊपर यहाँ पे ऊपर के लेवल पर तक जा पाता है, या फिर ऑलरेडी मार्केट पूरा हाई चल रहा है तो क्या मार्केट के फ्लो में थोड़ा और गिरता है या फिर ऊपर जाएगा, अब आने वाले टाइम में देखने वाला होगा। आज के लिए कुछ इतना ही, चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।